Hi, I am Sayyed Rashid. You are watching our YouTube channel name as Ahle Baith High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th physics and chemistry, atoms, molecules and chemical reactions. And our today's topic is nothing but postulates of Dalton's atomic theory. So in our previous session we have learned about the law of conservation mass as well as law of constant proportion. Now we will going to start our first atomic theory. Before that I like to tell what is an atom and molecule. What is atom? Atom is nothing but atom is the smallest particles of matter, and molecule is nothing but group of atoms is known as molecule. I will going to write this side, you can see, look at here, ATOM, atom is the smallest, okay, particles, PARTICALS of matter. जो matter का जो सबसे smallest part होता है वो atom है. Next, molecule, MOLECULE, group of atoms is called molecule. So hope you know me, मैं सैयद राशिद हूँ. जैसा आपको पता है हम class 9th की physics chemistry 7th chapter पढ़ रहे थे, जिसमें हम आज की topic रहेंगे Dalton की atomic थ्योरी के बारे में. उससे पहले हम एटम किसे कहते हैं, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, आप लिख लीजिए. ये स्टार्टिंग का एटम इज नथिंग बट जो हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, उसे हम एटम कहते हैं. एटम को और एक एक चीज़ भी कहते हैं. एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन मैटर, यानी मैटर को जो बिल्ड करता उसके जो छोटे छोटे ब्लॉक्स रहते उसको भी हम एटम कहते हैं. तो ये है एटम्स एंड मॉलिक्यूल का डेफिनेशन हमारे लेसन का. नाउ एक और एक एक चीज़ होती है हमारे फिजिक्स या केमिस्ट्री में, उसको लॉ कहते हैं. व्हाट इज लॉ स्टूडेंट एंड ऑन द व्यूअर्स, व्हाट इज लॉ, लॉ किसे कहते हैं? लॉ इज नथिंग बट ये एक ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जो कभी भी कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता इसको, क्योंकि आप और हम जानते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब एक चीज़ अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उसके अलग अलग चीज़ें होती. एक लॉ होता है, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल होता है, PRINCIPAL. ये हमारे कॉलेज का प्रिंसिपल है. जो फिजिक्स का प्रिंसिपल रहता कॉलेज या स्कूल का प्रिंसिपल है, फिजिक्स का प्रिंसिपल ये है. देर इज एन माइनर डिफरेंस इन द स्पेलिंग. फिजिक्स का PRINCIPALE. और एक एक हमारे पास रहता है लॉ है, हमारे पास प्रिंसिपल है, रूल है, ओके, रूल्स रहता है. और एक एक हमारे पास रहता है पॉस्टुलेट्स, जो मैं भी आपको ऑलरेडी हेडिंग लिखा दिया. इन लॉ में डिफरेंसेस क्या रहते हैं ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स? जो लॉ होता है वो एक ऐसा स्टेटमेंट होता है साइंटिस्टों के जरिए से, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते. वेरस प्रिंसिपल एक उसूल रहता है कि इसके ऊपर ये वर्क कर सकता है. रूल यानी कि ऐसा ऐसा सेट ऑफ गाइडलाइंस रहते, तो ये तीनों यूजुअली कभी भी नहीं बदलेंगे. वेरस जब पॉस्टुलेट्स की बात आती, पॉस्टुलेट्स में अलग अलग अपडेट्स होते रहते कि एक साइंटिस्ट आके बोलते कि एटम आपको स्फेरिकल है अपने पॉस्टुलेट्स में, दूसरे साइंटिस्ट बोलते कि हाँ हाँ स्फेरिकल तो है लेकिन उसके अंदर एटम के अंदर न्यूक्लियस भी रहता है. तो उसके अंदर फर्दर 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 डेवलपमेंट्स होते रहते, उस टाइप के थिंग्स को हम पॉस्टुलेट्स कहते हैं. नाउ अ क्वेश्चन अराइज. जब अभी मैं आपको बता रहा था कि लॉ को कभी भी चैलेंज नहीं किया जाता और वो हमेशा के लिए वैलिड रहेगा, फॉर एवर. जैसा हमने हमारे पिछले कुछ चैप्टर्स थे उसमें हम पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. डू यू नो न्यूटन्स लॉ? तीन लॉस थे न्यूटन के, लॉस ऑफ मोशन में. तो कभी भी कोई साइंटिस्ट भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, तो उसे लॉ कहते हैं. बाय द अर्ली 19th सेंचुरी द साइंटिस्ट न्यू सम लॉस गवर्निंग केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस. व्हाई आर दिस लॉ वैलिड? व्हाई कैन नॉट द एलिमेंट कंबाइन इन एनी आर्बिट्ररी प्रोपोर्शन? मेनी साइंटिस्ट ट्राई टू गिव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन. द इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डेल्टन प्रपोज द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. डेल्टन रीजन हिस प्रपोजल आर मैंशन बिलो. इफ मास वॉज टू बी कंजर्व देन ऑल एलिमेंट मस्ट बी मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. इफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इज टू बी फॉलो द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन नॉट बी डिफरेंट. बेस्ड ऑन द अबव लॉस डेल्टन प्रपोज अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी. तो देखिए ये जो लॉस इसलिए वैलिड होते हैं आपके रीडर के मुताबिक कि कई सारे साइंटिस्ट हैं अपने अपने अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन देते हैं, जिसमें से एक हमारे इंग्लिश टीचर थे जिनका नाम है जॉन डेल्टन. उन्होंने क्या किया, अपनी एक थीरी प्रपोज की नेचर ऑफ मैटर को लेके, यानी मैटर का जो नेचर रहता
व्हाट इज मैटर वी ऑलरेडी लर्न इन आवर फर्स्ट लेसन, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे। आप नको पूछो सर मैटर क्या है ये, तो मैटर को लेके वो लोग वर्क करे। तो डेल्टॉन क्या करे, अपने प्रपोजल में दो चीज़ों को स्टडी करते हुए अपने वर्क्स करे। पहली चीज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों चीज़ों के बेस पे अपने कुछ उन्होंने पॉस्टुलेट्स एक केमिकल फिलॉसफी के अंदर इंट्रोड्यूस किए हैं। तो उनके एक पांच छह पॉस्टुलेट्स है, वो क्या है हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। जॉन डेल्टॉन का कहना था कि फर्स्ट पॉइंट उनका ये था कि जो मैटर रहता है ना उन लोगों के अंदर एक कंसिस्ट, अब देखिए मैं ये पॉइंट आपको बोर्ड पे लिखाते हुए समझा रहा हूँ, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल, यानी कि ऐसे उसके अंदर पार्टिकल्स है जो फर्दरली हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते या टुकड़े नहीं कर सकते। आप फ्रैक्शन लेसन तो पढ़े होंगे मैथ्स में कि कौन सी भी चीज़ को हम किस तरीके से, यानी कि एक केक है अगर उसको अलग अलग पीसेस में करना है तो किस तरीके से हम करते हैं, या फिर कुछ और भी चीज़ें रहते हैं उसको हम अलग अलग, यानी कि एक को डिवाइड करके अलग अलग पीसेस में करते। तो जॉन डेल्टॉन के पॉस्टुलेट्स का पहला पॉइंट ये कह रहा है कि मैटर के अंदर ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल्स है जिसको हम एटम्स कहते हैं। अभी मैंने एटम का डेफिनेशन क्या लिखाया था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, तो वही बता रहे हैं कि इतना स्मॉलेस्ट है वो कि वो इंडिविजिबल यानी उसको हम फर्दरली डिवाइड नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट में इनका ये कहना है जो एटम्स रहता है ATOMs, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड, यानी कि ये हमारा थोड़ा सा ये इसके ऊपर भी एक बड़ी थीरी है, ये पॉइंट के ऊपर एक ट्विस्ट है। फर्स्ट आई विल गोइंग टू राइट दिस पॉइंट, आफ्टर दैट एक्सप्लेनिंग दिस पॉइंट एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई पॉस्टुलेट्स आई विल टेल यू अबाउट दिस पॉइंट। सो जॉन डेल्टॉन का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कह रहा है, एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, कि एटम्स क्या है कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते ना ही क्रिएट हो सकते। जॉन डेल्टॉन के थर्ड पॉइंट है, देखिए मैं आपको एक खुद रीड कर देता हूँ, ऑल द एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है इसका, नेक्स्ट पॉइंट भी समझा देता रीड कर देता, व्हाट डज इट मींस, मतलब क्या है इसका। तो थर्ड पॉइंट, क्योंकि जब मैं रीड कर रहा था आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो वही आपको थर्ड पॉइंट के एतबार से नोट करना है। फर्स्ट आज की क्लास में आप जो भी है डेट डालिए, आपका फॉस्लेट्स ऑफ डेल्टॉन एटॉमिक थीरी लिखनी, बट बिफोर राइटिंग दिस, इसको लिखने से पहले आज की डेट डालते ही आप ये दो डेफिनेशंस को लिख लेना है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये दो डेफिनेशंस लिखने के बाद आप एक मेन टाइटल लगाइए, पॉस्टुलेट्स ऑफ डेल्टॉन एटॉमिक थ्योरी। लगाने के बाद ये दो पॉइंट्स लिखिए, थर्ड पॉइंट ऑलरेडी मैं यहाँ स्क्रीन पे लगाया था जब मैं रीड कर रहा था, स्क्रीन पे यहाँ से वो पॉइंट यानी कि फ्लैश हो रहा था आपको, वो लगा लीजिए। तो थर्ड पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। डेल्टॉन कहते हैं कि जो एटम्स रहते सेम एलिमेंट के आइडेंटिकल मास रहते और आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज रहते, और अगर एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट्स के तो डिफरेंट मासेस रहते और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज उसके अंदर रहते। इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, जैसा कि अपने पास एक हाइड्रोजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम मिलके हमारे पास क्या हो गया, वाटर बन गया, H2O, ये वाटर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते अगर हाइड्रोजन के एटम का क्या है, अपने एक उसके मास है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन है उसकी एक अपना मास है, उसकी एक अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज है। इवन दो लाइक कंबाइन, अगर वो लोग कंबाइन भी हो गए तो ये दोनों अलग अलग प्रॉपर्टी अलग अलग मास ही एग्जिस्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट, लिसन केयरफुली एंड राइट ऑल्सो, यहाँ पे पॉइंट जाएगा आपको, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो, दैट इज केमिकल चेंज इज द यूनियन और सेपरेशन ऑफ एटम्स एज इन द होल नंबर। इसका मीनिंग क्या है, जो कंपाउंड्स रहते एटम्स के डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड होते सिंपल, यानी कि सिंपल होल नंबर के रेशियो में होते उन लोग, केमिकल चेंज क्या रहता इन लोगों के अंदर, या तो एकदम यूनियन रहता यानी केमिकल चेंज मिलके रहता, या फिर सेपरेशन ऑफ एटम में भी होल नंबर ही सेपरेट होता। जैसा कि अगर अभी सेम एग्जांपल मेरे लिए हेल्पफुल होगा और आप लोगों को समझने के लिए भी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाते ही वाटर बन गया, ठीक है, और वाटर बनते ही इन लोगों की एक अपनी नई केमिकल प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये लोग होल नंबर्स के अंदर यानी कि मिलेंगे। नेक्स्ट है,
अगर इसको हम सेपरेट करेंगे भी तो ये हो जाएगा, वो एच टू प्लस ओ हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बताया जा रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, लिसन केयरफुल्ली, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन डिफरेंट होल नंबर ऑफ रेशियो दे फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हैंस कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन 1:1 एंड 1:2 रेशियो रेस्पेक्टिवली टू गिव टू आइडेंटिकल कंपाउंड्स। मतलब क्या है इसका? अब ये देखिए H2O, यानी कि आपको दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन का एटम मिलके वाटर बन गया, ठीक है। वैसे ही अगर सपोज ये दो हाइड्रोजन के एटम और दो ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो क्या होगा, 2HO हो जाएगा। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुछ एक केमिकल का नाम है, इसे कहते हैं। वैसे कार्बन और ऑक्सीजन एक एक एटम्स में मिलेंगे तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होता। एक कार्बन और टू ऑक्सीजन अगर मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हो रहा क्या, जो एटम्स है वो डिफरेंट अलग अलग रेशियोज में अगर कंबाइन हुए तो अलग अलग लोग मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते, यानी कि दो ही एटम्स रहते अलग अलग मॉलिक्यूल्स भी फॉर्म कर सकते। तो ये हमारी डेल्टॉन की एटॉमिक थ्योरी हो गई। दो पॉइंट्स यहाँ पे है आपको, तीन पॉइंट्स जब मैं रीड कर रहा था आपके स्क्रीन पे इधर फ्लैश हो रहे थे, आप ये पांच पॉइंट लिख लेना, इसके ऊपर लर्न करना चाहिए आपको। ओके, नाउ आई विल गोइंग टू रेस फ्यू क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस में रेस करना पसंद करूँगा। कौन सा पॉस्टुलेट्स है जो एटम की यानी डेल्टॉन की एटॉमिक थ्योरी को यानी कि सिंपली यानी कि लिंक करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास से, और कौन सा पॉस्टुलेट्स है जो डेल्टॉन की एटॉमिक थ्योरी का इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो आंसर इस जो सेकेंड वाला पॉइंट है हमारा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से डायरेक्ट लिंक करता है डेल्टॉन का एटॉमिक थ्योरी का। वेरस फिफ्थ पॉइंट इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद द कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन को लिंक करता है। अभी आपके रीडर में एक और एक ब्लॉग दिया गया है कि अबाउट 2600 ईयर्स अगो एन इंडियन सागा रिशा कॉल्ड कनाडा ऑल्सो पॉस्टुलेट्स एटम इन हिज वैशिका सूत्रा। द एक्चुअल नेम ऑफ कनाडा वॉज कायस्पा, ही वॉज रीनेम आफ्टर हिज कना सिद्धांता। ही प्रपोज दैट ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर आर कंपोज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज अनु, एंड ईच अनु मे बी मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड परामणु। द वर्ड एटम इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एटॉमिक मीन्स इनविजिबल। अब देखिए, एक आपके रीडर में ब्लॉग बताया गया था कि आज से तकरीबन यानी कि 2600 ईयर्स अगो हमारे कुछ बुक्स है उसके अंदर एटम्स के बारे में बताया गया, जिसमें से उन लोग प्रपोज कर रहे थे कि जो मैटर होता है कंपोज वेरी वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से होता है, और वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ना अणु बोले, फिर स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगेन डिवाइड होके परमाणु में बदलता है। तो ये परमाणु जो होता है ये एटॉमिक यानी कि हम हमारे हिंदी में पर उस टाइप का बोलते हैं। तो ये वैसे तो नॉलेज के लिए है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं है ये। वेरस डेल्टॉन की थीरी आपको एग्जाम में 4 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में कुछ पॉस्टुलेट्स पूछ सकता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एटम्स और मॉलिक्यूल्स कितने कहते हैं। ये तो मैंने एक बेसिक डेफिनेशन आपको बताया था, थोड़ा सा और इसके बारे में स्टडी यानी रीड कर लेंगे। ओके, वेरी ऑफन यू मे हैव हर्ड दैट एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर, बट वॉट डस इट्स मीन। इट्स मीन्स दैट मैटर इज कम्पोज ऑफ टाइनी पार्टिकल नोन एज एटम्स। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि एटम्स किसे कहते हैं, कि एटम्स जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का। इसका मतलब क्या है कि मैटर एक कंपोज्ड हो रहा बहुत बहुत टाइनी पार्टिकल से, उसी को हम एटम कहते हैं। तो एटम का डेफिनेशन ये काफ़ी है। बस प्रोनंसिएशन में इसको एटम के बदल ऑटोम भी कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रोनंसिएशन नीड नॉट टू वरी, आप एटम बोलिए या फिर ऑटोम बोलिए, इट इज़ अप टू योर प्रोनंसिएशन। These atoms are so small that we cannot see them even with a high power microscope. The number of atoms present even in the small amount of matter is very large. ये जो atoms होता है हम इसको even high power microscope से भी नहीं देख सकते, और जो number of atoms रहते हैं अगर एक atom से ज़्यादा atoms present रहे तो वो थोड़े से matter के अंदर large रहेंगे। तो अब देखिए, आपको क्या मालूम aluminium foil जो हमारे को food के पर यूज़ होती, तो उसके अंदर क्या है, लैक्स ऑफ एटम रहते।
यानी कि एक पतली झिल्ली के जैसा, एक मेम्ब्रेन जैसा हमको नज़र आता। आपको पता ही होना चाहिए कि फूड वगैरह यानी कि स्वीट्स पे हम एल्यूमिनियम की फॉइल रखते हैं, बहुत 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 थिन थिन रहती वो, लेकिन उसके अंदर भी लैक्स ऑफ एटम आपको रहते हैं। नाउ अब एक वर्ड हमारे पास इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम एलिमेंट्स कहेंगे, ई एल ई एम ई एन टी एस। तो अब एलिमेंट्स की अगर बात करेंगे तो अब हमको एक क्वेश्चन अराइज हो रहा, वो क्वेश्चन ये है कि आर एलिमेंट्स ऑल्सो मेड ऑफ मैटर्स, दैट मीन्स जो एलिमेंट्स होता मेड अप ऑफ मैटर्स और एटम, जो एलिमेंट होता है वो एटम से ही फॉर्म होता क्या। वी नो दैट सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, एटम्स आर दी मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल पार्टिकल्स दैट कैन हैव एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, समटाइम टू और मोर एटम कंबाइंस टू फॉर्म अ बिग पार्टिकल, व्हेन एटम्स कंबाइन दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एन एलिमेंट, इन एलिमेंट्स द स्मॉलेस्ट पार्टिकल मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल। अब देखिए, अब हमको तो पता है कि जितने सारे भी सब्सटेंस होते हैं वो एटम से बने हुए होते या फिर मॉलिक्यूल से बने हुए रहते। एटम्स क्या है, एक फंडामेंटल यानी कि पार्टिकल है कौन से भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए। कभी क्या होता है, वो जो एटम्स होता है टू और मोर एटम्स कंबाइन होते एक बिग पार्टिकल को बनाने के लिए। अगर जब एटम्स एक दूसरे में कंबाइन होते उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसा कि ऑलरेडी मैं लिखा दिया था, मॉलिक्यूल इस ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हो, ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, ऑलरेडी मैंने आपको लिखा दिया था जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते। नेक्स्ट बात यह है कि एलिमेंट किसे कहते हैं। एलिमेंट इज नथिंग बट अगर एक पार्टिकल्स है, एक पार्टिकल है, व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, वन टाइप्स ऑफ एटम्स रहना है उसको ही हम एलिमेंट कहते हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल कहता हूँ मैं आपको, हाइड्रोजन एक एलिमेंट रहेगा, वेरस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो ये क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड कहलाएगा, या तो ये कंपाउंड कहलाएगा, इसको हम और एक नाम देते हैं सब्सटेंस। ये दो में से कौन सा भी आप रीड कर सकते। अब ये H2 है, ये क्या है, ये एक एटम हो गया। ये H2 क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल क्यों हो गया, क्योंकि H प्लस H मिलके क्या हो रहा है, ये H2 फॉर्म हो रहा, तो इसी की वजह से ये मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो वैसे ही आपको, होप यू अंडरस्टूड एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या है, अभी आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो एटम्स रहते हैं उसको कैटेगरी किया गया है। कैटेगरी क्या करेंगे कि एक मोनो एटॉमिक रहेगा, एक डाई एटॉमिक रहेगा, एक ट्राई एटॉमिक रहेगा, इस तरीके से रहता है। अगरचे कि अगर एक एटम है, अगर अपने सिंपल एक ही उससे स्टेबल हो जा रहा होने, जैसा कि आई विल गिव यू एग्जाम्पल, लाइक अगर गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड का सिर्फ एक ही एटम रहता उन्हें स्टेबल हो जाता, वैसे ही आयरन है आपका, आयरन का एक ही एटम रहता वो स्टेबल हो जाता। बट इफ़ यू स्पीक अबाउट द ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन कभी भी एक नहीं रहता, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए और एक ऑक्सीजन के साथ उसको कंबाइन होना पड़ेगा और टू आइडेंटिकल एटम बना के उन्हें स्टेबल हो जाता, तो इस टाइप को हम O2। तो ये क्या हो गया, ये हमारा मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, ये हमारा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। और वैसे ही कुछ मॉलिक्यूल्स रहते हैं जो ट्राई एटॉमिक, यानी अपने ही सेम एटम से तीन अलग अलग आपको मिल करके एक बनते हैं, तो ट्राई एटॉमिक्स में कहलाए जाएंगे। जैसा कि अब और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल, आगे मैं पढ़ाऊंगा ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक के बारे में। नेक्स्ट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन बी ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल, इफ द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस नोन एज कंपाउंड। जैसा कि देखिए, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल गया तो ये मॉलिक्यूल कहलाएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गया तो क्या कहलाएगा, ये एक सब्सटेंस या फिर कंपाउंड कहलाएगा, वही आपके रीडर में बताया जा रहा। सो वी कैन हैव मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड रिटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। तो यहाँ पे हमको पता क्या चला कि मॉलिक्यूल भी क्या होता है, एक बिल्कुल ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस का, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, यानी कि उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है। अभी ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन, अगर उसको स्टेबल होना है तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके ही बन रहे हैं, कि उसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, उन्हें कोई दूसरे एलिमेंट को हेल्प के लिए नहीं बुलाया।
तो ये इस टाइप के चीज़ें रहते हैं। अभी कंक्लूजन, डेल्टॉन की एटॉमिक थ्योरी लिखने के बाद एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स किसे कहते हैं, आप समझ जाइए काफ़ी रहेगा। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नेम एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स है उसका नाम क्यों दिया जाता है। डू यू नो वॉट गोल्ड इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, बट इन अदर लैंग्वेज इट वुड हैव अ डिफरेंट नेम। देर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड दैट इज नॉट पॉसिबल टू नो द डिफरेंट नेम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। टू हेल्प साइंटिस्ट कम्युनिटी विदाउट कन्फ्यूजन वी मस्ट हैव वन नेम फॉर ईच एलिमेंट दैट इज एक्सेप्टेड बाई एवरी वन। देखिए अब कई सारे हमारे पास चीज़ें रहते जो जैसा कि गोल्ड है, गोल्ड को आपकी अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जैसा कि हमारी लैंग्वेज में उसको सोना कहते हैं, वैसे हिंदी या तेलुगु में उसको, यानी तेलुगु में बंगारू कहते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग उसका नाम दिया गया है। हमारी पूरी दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, और उतने लैंग्वेजेस में अगर हम गोल्ड के बारे में सोचते रहे, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स रहे, तो साइंटिस्टों का क्या है, बहुत ह्यूज कन्फ्यूजन हो जाता उनके कम्युनिकेशन में। तो इस कम्युनिकेशन के कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको एक यूनिक नाम दे दिए, एक पैटर्न बना दिया गया। जैसा कि गोल्ड है, गोल्ड को शायद अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग कहते हैं, लेकिन हमारी केमिस्ट्री और फिजिक्स की लैंग्वेज में गोल्ड माने गोल्डी। वैसे ही अपना आयरन है, आयरन को हमारी लैंग्वेज में लोहा कहते हैं। कॉपर है, कॉपर को हमारी लैंग्वेज में तांबा कहते हैं। सिल्वर है, सिल्वर को हमारी लैंग्वेज में चांदी कहते हैं। लेकिन केमिस्ट्री या अगर आपको साइंस के बारे में पढ़ना है तो आप अपने लैंग्वेज से नहीं पढ़ सकते। तो साइंस की अपनी एक पैटर्न है, उस हिसाब से आपको एलिमेंट्स का नाम याद रखना होगा, समझना होगा, समझाना होगा। नेक्स्ट, अभी जो एलिमेंट्स होता है, जैसा कि एलिमेंट्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो उसको एक सिंबल दे देना पड़ेगा। सिंबल देना, जैसा कि आप मैथ्स पढ़ते रहते, रियल नंबर यूजुअली आपको अलग अलग नंबर के सिंबल्स दिए जाते। अगर रियल नंबर बोल तो आर लिख देते डायरेक्ट, इंटीजियर्स बोल तो जेड लिख देते, होल नंबर बोल तो डब्ल्यू लिख देते। वैसे ही अगर आपको रेशनल नंबर बोल तो पी बाई क्यू फॉर्म का रहता हो, तो उस तरीके से कुछ शॉर्टकट्स रहते। तो यहाँ पे भी एलिमेंट्स के नाम के लिए कुछ शॉर्टकट्स भी, हमारे पास सिंबल्स भी दिए गए हैं। एलिमेंट का नाम रहेगा, उसका सिंबल रहेगा। अब देखिए, लिसन केयरफुली, हाउ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गॉट देयर नेम। कुछ एलिमेंट्स है जैसा कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, उन्होंने अपना नाम कैसे हासिल किया। समटाइम एलिमेंट्स आर नेम बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, फॉर एग्जाम्पल द लैटिन वर्ड ऑफ वाटर इज हाइड्रो, सो द एलिमेंट दैट कम्बाइंड विथ ऑक्सीजन टू गिव वाटर वॉज नेम एज हाइड्रोजन। कुछ एलिमेंट्स ऐसे रहते जो उनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से नाम उनका ऑटोमेटिकली आ जाता। जैसा कि वाटर को लैटिन में हाइड्रो कहा जाता है, तो वाटर फॉर्म होने के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिलकर के बनता है, जैसा कि मैं अभी आपको बताया था। तो इसीलिए क्या हुआ कि हाइड्रोजन को जो नाम मिला था वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी के वजह से मिला था। वैसे एट वन टाइम पीपल बिलीव दैट एनी सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद ऑक्सीजन वुड बी एसिड इन नेचर। द लैटिन वर्ड फॉर एसिड इज ऑक्सी, हेंस द गैस वॉज कॉल्ड ऑक्सीजन, मीन्स गैस दैट फॉर्म एसिड। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट द एसिडिक प्रॉपर्टी वॉज नॉट रिलेटेड टू ऑक्सीजन, हाउएवर बाई द नेम हैड कम इन टू द कॉमन यूज, सो इट वॉज नॉट चेंज। पहले के ज़माने में पीपल्स को बिलीव ये था कि ऑक्सीजन से कुछ भी चीज़ रिएक्ट हुई, ओ एक्स वाई जी ई एन, ऑक्सीजन से कुछ भी रिएक्ट होने पर एनीथिंग, ठीक है, ए एन वाई, एनी टी एच आई एन जी, तो क्या हो जाएगा, कहते एसिड फॉर्म हो जाएगा। तो एसिड का जो लैटिन वर्ड है, ठीक है, तो एसिड को यानी लैटिन में क्या कहते हैं, ऑक्सी कहते हैं। तो उसका जो ऑक्सीजन का नाम है, इसी लैटिन वर्ड की वजह से ऑक्सीजन पड़ गया। बाद में साइंटिस्ट हाँ डिस्कवर करे के कौन सी भी एनी एलिमेंट विच रिएक्ट विथ ऑक्सीजन मे नॉट फॉर्म एसिड, मैंने ज़रूरी नहीं है हर एलिमेंट जो ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ वो एसिड बनना, बट द नाम नेम के नॉट बी चेंज, नाम नहीं बदल सका। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन बिकम्स द कॉमन दोज डेज। ऑक्सीजन उस वक्त में ऑक्सीजन का नाम बिल्कुल कॉमन हो गया था, तो उसको बदलना चेंज करना आसान नहीं था, इसीलिए हमेशा के लिए उसको वही नाम रख दिया गया है। प्लेस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट कैन ऑल्सो प्ले अ रोल इन इट्स नेमिंग। फॉर एग्जाम्पल द गैस वॉज फर्स्ट डिस्कवर इन दी सन, ग्रीक नेम ऑफ सन इज हीलियो, वॉज नेम हीलियम। कैन यू गेस द ओरिजिन ऑफ द नेम ऑफ द पोलोनियम एंड कैलीफेरिलियम। सम टाइम एलिमेंट्स वर नेम टू बी हॉनर ऑन द साइंटिस्ट, फॉर एग्जाम्पल
एंस्टीनियम, फेरिनियम, रुदरफोर्डियम एंड मेंडेलीवियम। देखिए अब यहाँ पे जो नेम्स होते हैं, जो भी हम एलिमेंट्स के वो करते हैं, एक तो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, प्रॉपर्टी के बेस पे हम उसके नेम को डिसाइड करेंगे। सेकंड प्लेस कहाँ पे वो फॉर्म हुआ, जैसा कि एक एग्जांपल है हीलियम, हीलियम को यूजुअली पहले हम सन में वो करे थे और सन का जो लैटिन नेम रहता है हीलियो रहता है, तो जो लैटिन नेम हीलियो है सन का, तो हीलियम उसका नाम रह गया। सम टाइम क्या है, साइंटिस्टों के नेम पे भी आपको एलिमेंट यानी कि यानी कि उसका पूरा नाम कम्प्लीटली साइंटिस्ट के नाम से ही दिया जाता है। उसका कुछ एग्जाम्पल ये है, यहाँ पे फेरिमियम है एक्सेट्रा और बहुत सारे। तो ये जो फैक्टर्स है डिसाइड करेंगे एलिमेंट्स को नेम देने के लिए। नाउ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के सिंबल्स कैसे दिए जाएंगे। यू मस्ट हैव रियलाइज दैट केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिएक्शन, इट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम टू राइट द फुल नेम ऑफ द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड एवरी टाइम टू डिस्क्राइब आवर रिएक्शन। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर लॉट ऑफ रिएक्शंस इन्वॉल्व है, अगर हर वक्त हम फुल नेम लिखेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड का तो हमारा पूरा टाइम क्या होता, वेस्ट हो जाएगा। टू अवॉइड दिस यूज सम शॉर्टकट, यूजिंग शॉर्टकट फॉर्म और सिंबल फॉर नेमिंग द एलिमेंट इज वन सोल्यूशन। ओवर 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार, हाउ डू वी डिसाइड देयर सिंबल। जैसा कि इस टाइम को वेस्ट नहीं होने की वजह से इसके कुछ अपने सिंबल्स दिए गए हैं। आज की तारीख में एज ऑन टुडे पूरे 118 एलिमेंट्स फॉर्म हुए, तो उसका नाम हम डिसाइड कैसा करेंगे बोल के आपको बताया जा रहा। तो यहाँ पे आपको एक नाउ आई विल गोइंग टू प्लेस वन टेबल, टेबल में आपके स्क्रीन पे लगाते हुए आपको समझाता हूँ, लिसन केयरफुली। सिंबल्स फॉर सम एलिमेंट, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, सल्फर S, कार्बन C, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, क्रोमियम Cr, बोरॉन B, बेरियम Ba, ब्रोमीन Br, बेरिलियम Be, एल्यूमिनियम Al, आयरन Fe, गोल्ड Au, सोडियम Na, पोटेशियम K। ये जो टेबल मैं आपको आपके स्क्रीन पे रखा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप कम से कम 3 times लिखिए इसको, यू हैव टू राइट 3 times एंड ट्राई टू लर्न। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स के नाम दिए गए थे, सिंबल्स दिया गया था, जैसे हाइड्रोजन का H है, ऑक्सीजन का O है, नाइट्रोजन का N है। ये सिंबल्स कैसे फॉर्म होते हैं, देखिए ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, जो हाइड्रोजन है उसका स्टार्टिंग लेटर क्या है, H है, तो कैपिटल लेटर में H लिख दिया जाएगा, वो हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का स्टार्टिंग लेटर क्या है, ऑक्सीजन O है, तो कैपिटल लेटर में O लिख दिया जाएगा, वो ऑक्सीजन हो जाएगा। वैसे ही नाइट्रोजन का स्टार्टिंग लेटर N है, तो आपको N लिख दिया जाएगा कैपिटल में, वही होता है उसका लेटर। नाउ अ क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन क्या अराइज हो रहा है, एक है हमारा कैल्शियम है, ठीक है, और एक है सी एच एल ओ आर आई एन ई क्लोरीन है, और एक है क्रोमियम सी एच आर ओ एम आई यू एम। अब ये तीनों ही का नेम आपको स्टार्टिंग सी है, तो हम क्या करेंगे, वी हैव ऑलरेडी यूज द लेटर सी फॉर कार्बन। अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फिर कार्बन भी है, एक हमारे पास कार्बन भी है और कार्बन के लिए हम ऑलरेडी सी दे दिए, अब ये चारों भी सी से आ रहे हैं, देन हाउ कैन वी, तो लुक एट द एलिमेंट आफ्टर कार्बन एंड बिफोर एल्यूमिनियम इन टेबल। यानी कि अब क्या करिए, अब इसके हिसाब से अपन नामा देना पड़ेगा। जैसा कैल्शियम है सी कैपिटल में लिखेंगे, उसका सेकेंड लेटर कौन सा है, ए है, तो ए स्मॉल में लिखेंगे, तो ये आपको एलिमेंट फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सी तो लिख लिए, अगर मैं हैच लिख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हैच है, अब क्या करना, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, तो थर्ड लेटर देखेंगे उसका, तो एल स्मॉल में लिख देंगे और क्रोमियम का सी कैपिटल में लिखे, थर्ड लेटर आर, तो इस तरीके से सिंबल बन जाता। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद करता हूँ आपको समझने आ रहा होगा। डिस्कस विथ योर टीचर एंड फ्रेंड्स हाउ द सिंबल्स हैव बीन डिसाइडेड फॉर दिस एलिमेंट। नोटिस द फॉलोइंग, अ सिंबल कैन हैव आइदर वन और टू लेटर्स ऑफ इंग्लिश, द फर्स्ट लेटर ऑफ द सिंबल इज ऑलवेज अपर केस एंड द सेकेंड लेटर इज ऑलवेज लोअर केस। जस्ट नाउ वॉट आई एक्सप्लेन यू दैट इज ओनली रिटन इन योर रीडर, अभी अभी जो मैंने समझाया था वही पूरा आपके रीडर में लिखा हुआ है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास, अभी हमारा जो आज की क्लास और सेशन यहीं पे कंप्लीट। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू सेम क्लास 9th फिजिक्स केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इन आवर नेक्स्ट सेशंस। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, मेंटेन नोट्स। आई एम सैयद राशिद, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टीचर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल नेम एज अहलेबैत हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। थैंक यू।